दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, वो भी बेसिक से। मतलब स्टार्टिंग से हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, अपना काम कैसे करता है, कुछ भी कंप्यूटर के गुण क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो ये सब हम पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर होता क्या है, किसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखते रहने के लिए, और पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर। क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज कंप्यूटर, कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या प्रोग्रामेबल डिवाइस डैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा। मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है। क्या है? विद्युतीय यंत्र, जो कि हमारी जानकारियों को इकट्ठा करने और उसे कैलकुलेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या क्या जाता है? उपयोग में लाया जाता है। तो समझ गए होंगे, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग डाटा। समझ गए, ये हमारा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में समझ गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रोग्रामेबल डिवाइस डैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डैट इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग एंड डाटा। मतलब कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसका उपयोग करके हम किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसे कैलकुलेट करने के लिए उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। जैसा कि आपको बगल के इमेज में दिख रहा है, ये एक कंप्यूटर है। अब सिंपली अगर इसे देखा जाए तो यह क्या है? कंप्यूटर नहीं है। देखिए, अगर ये है मॉनिटर, उसके बाद बगल में है आपका सीपीयू। क्या है? ये है सीपीयू, उसके बाद ये कीबोर्ड, और यहाँ पे जो दिख रहा है माउस। और इस सबको जब एक साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तब जाकर बनता है एक कंप्यूटर। समझ गए? ठीक है, आगे देख। हमारा अगला पॉइंट है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से प्रपोजली या पार्टिकुलरली, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो आप, यू से यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एडुकेशनल और आर से रिसर्च। मतलब क्या? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब वैसा डिवाइस जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से आप इसे भी कंप्यूटर का फॉर्मूला बता, डिफिनेशन बता सकते हो अच्छे से। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से प्रपोजली या पार्टिकुलरली, यू से यूज, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एडुकेशनल, आर से रिसर्च। तो आसानी से मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से। आप लोग एक कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, बैठिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ और यही बेसिक है और सबसे अच्छा भी है। अगर आप इसे पार्ट बाय पार्ट देख लेते हो तो आपके आपको आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीन शॉट करके पीडीएफ भी बना सकते हो, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस सब का पीडीएफ भी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, प्रपोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये क्या होता है? ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय, मतलब हु इज डेवलप्ड बाय कंप्यूटर। एक क्वेश्चन आ सकता है, हु इज डेवलप्ड बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया या फिर कंप्यूटर को किसने बनाया, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सब लोगों को पता होगा कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, मतलब 19th century के आसपास कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज। ये एक अच्छा क्वेश्चन है
जो कि पूछे जाते हैं प्रत्येक जगहों पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, मतलब कंप्यूटर के द्वारा, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, इट टेक इनपुट्स डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, मतलब क्या, कंप्यूटर जो है सबसे पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को इनपुट करती है, जैसे कि माउस और कीबोर्ड, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया जिसके बारे में आगे मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा। नॉर्मली आप यहाँ पे एग्जांपल लेके चलिए माउस और कीबोर्ड, इसके द्वारा ही हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, वो निर्देश देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, कन्वर्टेड एंड ट्रांसलेटेड टू बाइनरी नंबर, उसके बाद जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, निर्देश देते हैं, उसे कंप्यूटर क्या करती है, कन्वर्ट करती है या फिर ट्रांसलेट करती है बाइनरी नंबर में। ठीक है, बाइनरी नंबर में उसे कन्वर्ट कर देती है। एंड प्रोसेस्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, एंड प्रोसेस इज ऑल्सो प्रोड्यूस आउटपुट, उसके बाद ये प्रोसेस करके प्रोड्यूस करती है आउटपुट, मतलब आंसर को उसके बाद हमें प्रोसेस करके देती है, कहाँ पे, मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर पे, आउटपुट करके देती है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस हमारा हो गया मॉनिटर और प्रिंटर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस और ये आपका हो गया आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे ये दोनों आउटपुट और यहाँ पे मैं लाइनिंग कर देता हूँ अच्छे से, ये आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं वो सब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। साथ में इंस्टाग्राम आईडी pushpamt25 है, उसे फॉलो जरूर कर ले ताकि आप और हम अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।